जोरदार जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ आज उपस्थित इस सत्र के अध्यक्ष ही नहीं, राष्ट्र सेवा दल के संस्थापक निर्माताओं में से एक और तरुण तुर्क के नाम पे, जिन्होंने दलीय राजनीति और व्यवस्था के अंदर भी संघर्ष किया था और आज भी युवाओं के साथ विश्वास लेकर जुड़े हुए हैं, उनमें से भाई वैद्य जी, आदरणीय जीजी पारिक जी, जो युवाओं के हरदम पीछे रहते हैं वैसे ही आज भी बैठे हुए दिख रहे हैं, और समाजवादी एकजुटता के पक्ष में इन दोनों ने अन्य तमाम लोगों के साथ जुड़कर, जिसमें डॉक्टर सुनील जी है, सदाशिव मंदूर जी है, धीरज भाई है, जो अथक प्रयास शुरू किए हैं और रखे हैं, उससे आशावाद लेकर यहाँ पधारे हुए तमाम युवा साथी, मोहित पांडे जी, निश्चय भाई, मनोरमा बहन, बुद्धि बहन और आप सब लोगों के साथ साथ बहुत बुजुर्ग यहाँ है, मंजू मोहन जी, सुशीला बहन, अरुण श्रीवास्तव जी, सूरी जी, कौन नहीं पधारे हैं, शाहिद कमाल जी बिहार से, मुझे लगता है वो भी युवाओं में युवा बनकर लड़ने वालों में से होते हुए, जो खुद को युवा मानता है स्वयं प्रेरणा से वो युवा होता है, इसी परिभाषा के तहत यहाँ पधारे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब लोगों की ताकत मनोबल आज की विपरीत परिस्थिति में बढ़ाने का कार्य ये युवा शक्ति करने जा रही है। रोशन अग्रवाल जी भी है, मूलतः समाजवादी और एक अलग सी बात वो ही खुद रखेंगे, बहुत जोर शोर से अर्थव्यवस्था के बदलाव के रखने वाले। राष्ट्र सेवा दल के इस विशेष ऐतिहासिक स्थल पर हो रहे इस शिविर कम सम्मेलन से एक बहुत आशा जगी हुई है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समाजवादी संस्थाओं के साथ साथ संगठन और आंदोलनकारी साथी जुड़कर एक संघर्ष और निर्माण को एकत्रित लाकर एक नई परिभाषा समाजवाद की आज की परिस्थिति में और नई रणनीति बनाने पर तैयार है, ये बात विशेष है। और इसीलिए क्योंकि आज हम सब लोग देख रहे हैं कि समाजवादियों में भी समाजवादी युवजन सभा, राष्ट्र सेवा दल से लेकर समता आंदोलन तक, समाजवादी जन परिषद तक, अलग अलग युवा संगठनों ने आज तक कार्य किया है, लेकिन आज जो संघर्ष चाहे किसानों के हो, आदिवासियों, दलितों के हो, विद्यार्थी युवाओं के हो, या और मछुआरों के, कुमारों के, छोटे व्यापारियों के, इन तमाम मजदूरों के, श्रमिकों के संगठनों ने मिलकर अपने संघर्षों के विशेष स्थानीय या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी मुद्दों को एक जनतांत्रिक समाजवाद के चौखट में ढालना, मानना और उस परिप्रेक्ष्य में देयर इज नो आइडियोलॉजी की बात खत्म करते हुए हमारे तमाम कार्य कैसे समाजवाद की मंजिल की तरफ, सही जनतंत्र की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और जोर से बढ़ना चाहिए, वो मार्ग क्या होंगे, वो हथियार क्या होंगे, वो अहिंसक सत्याग्रह के योजनाएं क्या होगी, और हमारी ताकत की एकजुटता के साथ कौन सी मंजिल को हम लोग हासिल करेंगे, इसकी स्पष्टता भी होना जरूरी है। और इसलिए एक प्रकार से गांधी, लोहिया, जयप्रकाश या मार्क्स के, लेनिन के चित्र चरित्र के साथ जो समाजवाद की व्यापक विचारधारा जुड़ी हुई हम मानते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्ष और समता के संदेश में भी समाजवादी विचारधारा ही थी हम मानते हैं, उन तमाम विचारधाराओं को एकत्रित लाने के बाद जो लोहिया जी ने भी कई बार कही दिखी है, वो करने के लिए उत्सुक युवाओं से हम लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं। नहीं तो आज के परिप्रेक्ष्य में अक्टूबर में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी जो बात उभरी वो बात एक वास्तवता है, हम भी बिखरे हुए हैं, हम भी मुद्दों से घेरे हुए हैं, हमें दूसरा रास्ता नहीं है अपने भी मुद्दों को एक एक मंजिल तक पहुंचाने के सिवाय, हम
हमारे स्थानीय कार्य कम महत्व के नहीं है, पर इसके बावजूद आज जो इस भारत वर्ष ही नहीं दुनिया के सामने चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार न करते हुए अगर हम इतिहास को दबाने डुबाने वालों को और भविष्य को मिटाने या बदलने वालों के बारे में उन्हें शत्रु कहे, मजलूम जी मैं लक्ष्य कहूंगी, पर उनको घेरने नहीं तैयार होंगे, उसमें सफलता नहीं पाएंगे, तो क्या हम भी बचेंगे? इस सवाल का जवाब हमें ही देना है और किसी को नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि आज की परिस्थिति में जेएनयू से लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक विद्यार्थी युवाओं ने जो संघर्ष किया और जो जारी है, उसे हम अभूत मानते हैं। इस देश में युवाओं में जयप्रकाश जी के नवनिर्माण आंदोलन में हो या और आजादी आंदोलन में और उसके बाद के पॉस्को के आंदोलन में मनोरमा जी का योगदान या और तमाम आंदोलनों के साथ जुड़े हुए यहाँ लोकायत राष्ट्र सेवा दल जनता केंद्र के युवा साथी नर्मदा बचाओ आंदोलन के घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के तमाम साथीगण जो उपस्थित है, मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात अधोरेखित करके रखी है कि युवाएं इस देश में समता के साथ स्वतंत्रता आजादी लाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए उसके बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया का इतिहास गवाह है और हमारे देश का। लेकिन आज जबकि ऐसे तमाम आंदोलनों को राष्ट्र विरोधी विकास विरोधी घोषित किया जाता है और अवकाश कम करने के लिए तमाम हथकंडे सरकार अपना रही है जिसकी विस्तृत बात मोहित भाई ने रखी है, तब हम लोग इस चुनौती का स्वीकार कैसे कर पाएंगे? आज की अर्थनीति और राजनीति जिस दिशा में बदलने की कोशिश है, उसको हम चुनौती कैसे दे पाएंगे? इसका जवाब इस सम्मेलन से निकलना जरूरी है। जनतांत्रिक समाजवाद जिसकी बात अब देर से सही पर संविधान के मूल्यों की चौखट में शामिल है और ये बात कई बार याद दिलानी पड़ती है, जब आज के सत्ता में केंद्र में और कई राज्यों में बैठे हुए जातिवादी सांप्रदायिकतावादी तत्वों ने इन मूल्यों को ही सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म के साथ धर्म निरपेक्षता के साथ कई शब्दों को भी हटाना चाहा, तब इस बात को उभार देना जरूरी बन गया। अभी तक उन्होंने संविधान को ही पूर्ण रूप से बदलने की बात नहीं की, पर हर कानून में जहां कुछ भी थोड़ा सा समाजवादी परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है प्रतिबिंबित हुआ, उन तमाम कानूनों को बदलकर समता के बदले विषमता और न्याय के बदले अन्याय, पर्यावरण सुरक्षा के बदले विनाश, इस दिशा में बदलने की जो उनकी पूरी तैयारी और कोशिश कम अधिक सफलता के साथ कुछ चुनौती देने वालों के कारण असफलता के बावजूद आगे बढ़ रही है, वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी अभी एक मंच पर मुझे लावासा के कर्ता धर्ता अजीत गुलाबचंद की पत्नी नवलीन सिंह जी के साथ एक जुगलबंदी करने का मौका मिल गया। उन्होंने अपने भाषण करते हुए लक्ष्य ध्यान में रखते हुए ये कहा कि समाजवाद वगैरह बात फालतू है, क्योंकि अक्टूबर के सम्मेलन की कहीं ना कहीं बात वहां पहुंची थी और फिर आगे की वक्ता मेरा हर शब्द तोड़ने वाली है। मैंने कहा शब्दों को काटने तोड़ने के लिए तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, हम तो मूल्यों को तोड़ने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए अपना समय अपना तन मन बचाना चाहते हैं। तो रखे गए मूल्यों को भी इस प्रकार से केवल नजरअंदाज नहीं करना, तो एक प्रकार से कम लेखना खत्म करने की कोशिश करना जब हो रही है बात, तो हम लोगों को संविधान को ऊपर हाथ रखकर शपथ लेने वालों के सामने अपने हाथों में लेकर उठाकर अपने अपने संघर्षों को एक बुनियादी बल और ताकत देना बेहद जरूरी हो गया है।
आज हम लोग याद करते हैं कि किस प्रकार से जयप्रकाश जी से लेकर यूसुफ मेहरली जी से लेकर अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया तक हर समाजवादी उस समय के सिद्धांतवादी नेताओं ने मूल्यों को या सिद्धांतों को केवल अमूर्त स्वरूप तक रखना नामंजूर किया और उन्हें मूर्त स्वरूप देने पर बल दिया। तो सच्चा समाजवादी कौन, उसकी परिभाषा क्या, उसके निकष क्या, ये बात एक चुनौती के रूप में जीजी पारिख जी ने कुछ लोगों तक फैली है। मुझे लगता है उसका जवाब भाई और जीजी तो दे देंगे, लेकिन आप लोगों ने उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आखिर मूल्यों और सिद्धांतों को मूर्त स्वरूप देना, इसके लिए कौन से संघर्ष, कौन से निर्माण कार्य, कौन सी नीति और रणनीति बनानी पड़ेगी, ये जब हम खुद जनतांत्रिक रूप से एकत्रित आकर इन सम्मेलनों में और अन्यथा भी बहस करते हुए तय नहीं करेंगे, तो हम लोग इस पे झोंककर किस प्रकार से बदलाव के प्रति कटिबद्धता जताने की जरूरत है वो नहीं जता पाएंगे। तो इतिहास के समाजवाद के विविध रूप स्वरूप मूल्य सिद्धांत मंजिल को अधोरेखित करते हुए भी आज की नई परिस्थिति में समाजवाद का अर्थ क्या, इसकी स्पष्टता इस सम्मेलन से होनी जरूरी है। हम देखते हैं तो उस समय का 1934 के कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना का समय और उस समय का एजेंडा जिसमें कई लोग शामिल थे, उसमें एक प्रकार से गांधी को मानने वाले गांधीवादी और मार्क्स को मानने वाले मार्क्सवादी भी थे, और इतना उल्लास और एक जोश था ही, लेकिन साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक दोनों की समानता रखते हुए बदलाव के परिवर्तन की बात स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हुई। अब तक शायद वो सोविनिर पहुंचेगा जो अक्टूबर में बचा के रखा है, तो उसमें नंबूदरी पाद जी का लेख आप जरूर पढ़िए। कांग्रेस नंबूदरी पाद जी उस समय का हिस्सा थे, फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में गए, लेकिन जाने के बाद भी उनको क्या महसूस होता रहा उस समय के माहौल के बारे में, वो माहौल आप युवाओं के साथ, आपको और आपके पीछे पीछे हमको भी विपरीत परिस्थिति में भी खींच कर ले जाने वाला फिर से बनेगा, इस आशा और विश्वास के साथ मैं यहाँ आई। उस समय के एजेंडा में कौन सी बात नहीं थी, लोहिया जी की सप्त क्रांति की बात, स्त्री पुरुष समता के पक्ष में, लिंग भेद के खिलाफ, भाषा के आधार पर जो जाति हावी होती है और अवमानना होती है एक दूसरी भाषा के साथ आगे अपनी संस्कृति को बढ़ाने वालों के खिलाफ, उसकी खिलाफत थी, उसकी बात थी। आज जबकि दिल्ली के रास्ते पर दिन दहाड़े हिंसा होती है और गली गली में क्या गुजरात में हर 3 मिनट में एक बलात्कार होता है, तो बात बहुत जरूरी है स्त्री पुरुष समता की फिर से नए संदर्भ में, वो एक निर्भया को लेकर नहीं, हर महिला को जो भयाक्रांत करते हुए समाज के अंदर संकुचित हर प्रकार का वाद फैलाने वाले लोगों के कारण बढ़ रही है बात, वैसे ही बाजार के उपभोगवादी आक्रमण के कारण भी। तो इन दोनों को कैसे चुनौती दे दे, ये उस समय का भी चुनौती थी, उस समय का भी एजेंडा था और आज भी है। तो क्या पिछले करीबन 7 दशकों के स्वतंत्रता के बाद के कार्यकाल में कुछ बदला है इस देश में या नहीं? काफी कुछ बदला है, शिक्षा आगे बढ़ी है, उद्योग आगे बढ़े हैं, तकनीक आगे बढ़ी है, विज्ञान आगे बढ़ा है, लेकिन आज जो भी लोगों के पक्ष में, जनतंत्र के पक्ष में, मेहनतकशों के पक्ष में और समाज को एक बड़ा अवकाश मिलना चाहिए, समाज की सत्ता, जनक की सत्ता होनी चाहिए, जिनके नाम पर संविधान लिखा गया और समर्पित किया गया, इसके पक्ष में जो भी 7 दशकों में हुआ है, हासिल पाया है, कर पाए हैं, उसको ही पलटने की कोशिश नए सत्ताधारियों की है। ये कोशिश केवल 2014 से ही शुरू हुई ऐसा नहीं, जब से वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की बात चली, फ्री
फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, वहां का खजाना शोषण के आधार पर बना हुआ, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का शोषण कौन हो, यहां अब आकर यहां भी आक्रमण करेगा जो जनता का जीविका का आधार, ऐसा प्राकृतिक और मेहनत का खजाना है, पूंजी है एक प्रकार की, उस पर ये जब से शुरू हुआ और तय हुआ तब से एक नया आक्रमण और ये पलटने की बात शुरू हुई, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज 2014 के बाद जो जो निर्णय, जो जो नीतियां और जो जो बदलाव आ रहे हैं, वो तो संविधान के मूलभूत अधिकार और मार्गदर्शक सिद्धांतों के भी खिलाफ है। केवल अनुसूचियों के नहीं, जो आदिवासियों को, दलितों को, ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभाओं को, पंचायतों को एक विशेष स्थान और योगदान का मौका, जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना है। तो ये जो कोशिशें हैं उसका एक हिस्सा है जातिवाद, सांप्रदायिकता के आधार पर देश की समरसता मिटाना। नाम वही करते हैं सामाजिक समरसता की और वही खत्म कर रहे हैं एकात्मता को। ये एक बहुत बड़ी समझने की बात है और ये समझाने के लिए गांव गली तक पहुंचना, हमारे अपने संगठनों के क्षेत्रों में पहुंचना, ये लोहिया के सप्त क्रांति का एक मुद्दा मानकर केवल नहीं, तो हमारी अपनी ख्वाहिश ये बनाकर हम लोगों को घूमना जैसे जरूरी है वैसे ही भिड़ना भी जरूरी है। तो जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ हम कैसे पेश आए, मोहसिन खान से लेकर दाभोलकर, पानसरे और कलबुर्गी की हत्या, ये एक प्रकार से इसी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ, पंचायत से लेकर अन्य अंधश्रद्धाओं के खिलाफ लड़ने वालों को ही शहादत स्वीकारने के लिए मजबूर करने की बात थी। और आज वही लोग दो मुंह से बोलते हुए कैसे इन तमाम हथकंडों का उपयोग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बावजूद उत्तर प्रदेश के आगे वाले चुनाव में वही उपयोग भर सक होने ही वाला है, होने जा रहा है, इस बात को हमें समझना होगा। तो दलीय राजनीति के तहत हो या हमारे गांव गली की राजनीति और समाज कारण के अंदर हो, ये जो घुसपैठ हो रही है उसके साथ हम लोग कैसे लड़ेंगे, ये सवाल है। हमारे नर्मदा के क्षेत्र में आकर भागवत जी कह के गए, अब हर यहाँ के गांव के अंदर हम लोगों को हिंदू किसान संगठन बनाना होगा। और अभी कल मोहन वैद्य जी ने फिर बातों को दोहराया है आरक्षण को लेकर, बिहार में चुनाव हारने से वो इतने बैठ नहीं गए हैं जितनी अपेक्षा कई लोगों की थी। उन्होंने आज भी नीतीश कुमार जी के भी मंच पर आकर उनसे अपने पक्ष में कुछ न कुछ बुलवाया और लालू जी को नीचे बिठाया, और अब भी वो तैयारी में है कि किस प्रकार से वो इस देश में वो बात फैलाते रहे। तो हम लोगों को ये केवल संघीय ही नहीं, संघ तो फिर भी छोटा है देश में करोड़ों लोगों के सामने, लेकिन उनके विविध रूप और विविध मंच और मोर्चे जो पहले हुए हैं, जो शिक्षा में भी है, और वो जेएनयू का अवकाश उनको नहीं मिल रहा था जैसा आपने सही कहा, इसीलिए ये सब नाट्य खड़ा करने में लगे थे, ये हमारा पहले दिन से विश्लेषण है। तो ये तमाम मंचों को और मोर्चों को जो इस क्षेत्र में वो खड़े हैं उसमें हम लोग कैसे घुसेंगे या बाहर रहेंगे और चुनौती देंगे, हम लोगों को तय करना पड़ेगा। आज ये ताकत युवाओं में अधिक है, ये हम मानते हैं। हम लोग ये भी मानते हैं कि एक प्रकार से विकास के नाम पर जो जो बातें जनतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के तहत हमें प्रेरणा देती है, उन तमाम बातों को नकारा जा रहा है। जो पार्टी जहां सत्ता पर है वहां नकारा जा रहा है, ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। राइट टू लेफ्ट, उदार मतवादी चेहरा दिखाते हुए कंपनियों के कॉरपोरेटीकरण के पक्ष में कौन नहीं खड़ा है, ये ढूंढना पड़ेगा। ममता जी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करने जा रही हैं और केरल में भी अडानी का पोर्ट आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, इसीलिए हम लोगों को अपनी भूमिका की स्पष्टता और हिम्मत से कट्टरता भी दिखा
दिखाने का यही वक्त है। आज हम देख रहे हैं कि एक बाजू कैशलेस इकोनॉमी की बात, डीमोनेटाइजेशन, किसने ये शब्द इस्तेमाल किया मुझे पता नहीं, मुझे लगता है उन्होंने ही कहीं से इसको घुसाया होगा। हम तो मानते हैं इसको मोनेटाइजेशन, क्योंकि हमारे आदिवासी, हमारे गरीब लोग जो बिल्कुल ही कैश की बात पहले सोचते नहीं थे, अपने खेती की सोचते थे, अपने जमीन, जंगल, नदियों की सोचते थे, उनको इन्होंने एक प्रकार से कतार में खड़ा कर दिया दूसरे प्रकार के इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के सामने, और भीख मांगने के लिए मजबूर किया। जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, जंगल नहीं देंगे, ये वाली बात कहीं उभरे नहीं, ऐसी नोट फैलाने की बात इन्होंने की। अब देखिए एक प्रकार की सोच बदलने की बात की, और उसके साथ साथ ये घटना तो नहीं, और उसके साथ साथ अब कैशलेस इकोनॉमी के नाम पर जो तकनीक विज्ञान के नाम पर इन लोगों ने कंपनियों को इतना बड़ा मुनाफा कमाने का मौका दिया है, उसमें हमारे करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर, हमारे छोटे फेरी वाले, छोटे व्यापारी अभी ही अपनी 40-50% तक अपनी पूंजी, अपना मुनाफा, अपना व्यवसाय खत्म करने की साजिश को भुगत रहे हैं। और आगे चलकर जो कैश इकोनॉमी लेकिन नए तकनीक के द्वारा हावी हो जाने वाली है और हावी हो रही है, उसके सामने न प्राकृतिक संसाधन न मनुष्य संसाधन, इनकी कोई कीमत नहीं रहेगी, इसके साथ इसके तरफ एक प्रकार से चेतावनी हम लोगों को मिल रही। जिस प्रकार से इसको समझाया गया, समझा है लेकिन बहुत देर होते होते कईयों ने इसका शुरुआत में दुर्दैव से स्वागत कर दिया, उस समझ और सोच और विश्लेषण को आप युवा शक्ति के लोग कैसे फैलाएंगे, कहां ले जाएंगे, ये भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये उदारवाद, ये कंपनीवाद आज जिस प्रकार से आक्रमण कर रहा है, जिस प्रकार से भू अधिग्रहण के नए कानून को नहीं बदल सके तो राज्य राज्यवार नए नियम, नए कानून, नए जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ला ला कर संसाधनों को हस्तांतरित किया जा रहा है, उसके सामने एक एक योजना की चुनौती हम नर्मदा में देख रहे हैं। 31 साल हो गए, 31.5 साल हो गए, आज भी कोर्ट में चीफ जस्टिस एक कहते हैं और कोर्ट मास्टर ऑर्डर ने दूसरे बेंच के सामने हमारी केस सुने की ऐसा निश्चित किया है। अभी अंदर प्रवेश करते करते मुझे खबर मिली और इसके सामने भी वहाँ बार बार लड़ना पड़ रहा है, हमारे नाम सूचियों से गायब होते हैं, नो पिटिशनर इन पर्सन देखते हुए इस प्रकार की चुनौती है। तो ये भांडवलशाही पूंजीवाद को चुनौती जो समाजवाद ने पहले से दी हुई है, उसको आज नए सिरे से नई चुनौतियों के बीच खड़े होकर हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। विषमता, गैर बराबरी पर हमला, ये तो समाजवाद का, सप्त क्रांति का एक अहम मुद्दा रहा है और उसकी लड़ाइयां स्थानीय, गांव, गली से एक एक परियोजना से लेकर केवल राष्ट्रीय माने गए स्तर पर ही नहीं तो अंतरराष्ट्रीय और जागतिक वैश्विक स्तर तक लड़ने के लिए हमको और भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही है, विश्व बैंक को एक योजना में चुनौती देने में हमको 8 साल लगे, वो हट गई तो आज कहते आए हैं आप करना पर सनत भाई ने कहा कि आपने ये बड़ी गलती कर दी, विश्व बैंक होती तो जरा पुनर्वास अच्छा हो जाता। तो अब सोचिए आज तो एशिया विकास बैंक से लेकर हर बायलैटरल एजेंसी का भी इस प्रकार से अनुबंधात्मक विकास पर हमला है कि हमारे विकास की सोच, समता की, सादगी की, स्वावलंबन की, गांधी की, बाबा साहब की, महात्मा फुले की, शाहू महाराज की, जयप्रकाश की, विनोबा की, सब कुछ खत्म होने जा रही है। क्योंकि वो विकास को ही नए प्रतीकों से, नए माध्यमों से इतने भरचोर आगे बढ़ा रहे हैं कि आम आदमी और आम औरत भी सोचती है कि मैं अब इन योजनाओं
कैसे अवकाश पाऊं, इतना ही मेरा मकसद रह गया है। तो इसलिए साथीगण, अपने प्रतीक, अपने माध्यम, इस पूरे वैश्विक स्तर की एक साजिश, एक कॉन्स्पिरेसी को खुली करने वाले, पोल खोल करने वाले कैसे होगी। मैं ये पोस्टर्स चित्र देख रही थी, ये माध्यम है हमारे रास्ते पर उतर कर नाट्य और कला कर्मियों के माध्यम है, हमारी कलम चलाने का समय आया है। और सबसे अधिक जन संपर्क का, जन संवाद और जन शक्ति जुटाने में लगेगी तो वो सही युवा शक्ति और युवा आंदोलन साबित होगी। ऐसी शक्ति हमें चाहिए। क्या हम इसमें कम पड़ रहे हैं? कुछ हद तक हाँ। एक बाजू आंदोलन उभर रहे, दूसरे बाजू व्हाट्सएप और तमाम माध्यमों में हम लोग खोए हुए हैं। हम बार बार उसी को देख रहे हैं, तो व्हाट्स डाउन देखने का समय और मौका है। जरूरी है कि हम लोग थोड़े अलग समाजवादी चित्र और चरित्र पेश करें। जरूर इन माध्यमों का, इन तकनीकों का, इन हथियारों का उपयोग करें, लेकिन सत्याग्रहियों के लिए, समाजवादी सत्याग्रहियों के लिए केवल इतना काफी नहीं होने वाला है। आखिर वही हथियार बाजार की पूंजीवादी शक्तियां कैसे उपयोग में ला रही है, ये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए दलीय राजनीति के साथ जो भी संबंध हो, हमारा इस प्रकार के सत्ता और जनता के बीच के संबंध को बदलने वाला, जन सत्ता को उभारने वाला जो संवाद और संघर्ष होना पड़ेगा, वो हम लोग किन रणनीतियों के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, हमारे उसके माध्यम और हथियार क्या होंगे, इसकी भी स्पष्टता हरेक के व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर होनी चाहिए। ये कैसे होगा? ऐसे ही सम्मेलनों से हो सकता है। आप जानते हैं कि लोहिया जी के विकास के सपने में जैसे सामूहिक या सामुदायिक आधार थे, सपने थे, मंजिलें थी और ठोस मुद्दे थे, वैसे ही व्यक्तिगत स्तर पर भी बदलाव की पूरी रूपरेखा आकी हुई थी। और आज की बाजारी व्यवस्था केवल व्यक्तिवादी विकास को आगे बढ़ाती है, हम उसको नकारते हैं, लेकिन व्यक्ति और समुदाय दोनों के स्तर पर बदलाव की बात हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग सही समाजवादी स्थापित नहीं हो सकते। ये बात भी आज कहने का मौका है। वो आध्यात्मिक और धार्मिक भाषा में मोक्ष की बात लेकर अगर करेंगे तो मालूम है सबको कि मोक्ष में कर्म योग, योग कर्म धर्म योग धर्म योग मोक्ष सबको साथ उन्होंने समता को भी जोड़ा था। तो ये भी एक ऐसी बात है कि जो व्यक्ति और समुदाय को, दोनों को एक धक्का देने वाली, एक दिशा देने वाली बात साबित हो सकती है। तो हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस बात पर भी हम लोगों को स्पष्टता रखते हुए अड़े रहने की जरूरत है। आज का जो राज्य है उसके तमाम स्तंभों में हावी है बाजार। वो चाहे नौकरशाह हो, चाहे माध्यम हो, चाहे न्यायपालिका, हम लोग इन स्तंभ स्तंभ के सामने खड़े रहने की हिम्मत रखेंगे क्या और कैसे, ये भी एक सवाल है। हम नौकरशाही के सामने बार बार जाते हैं, सवाल करते हैं, मोर्चे जुलूस धरने देते हैं, लेकिन आज हमारे विचारों की खिलाफत करने वाले भी उसी का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे साथ कौन रहेगा? इस नौकरशाहीवादी वृत्ति के सामने हमारी ग्राम सभाएं, हमारी वार्ड सभाएं, मोहल्ला सभाएं, इसकी ताकत कैसी बने, ये भी एक चुनौती। आज ग्राम सभा को संविधान में स्थान है, लेकिन कोई मानता नहीं आदिवासी क्षेत्र में पेशा का कानून भी, जो आदिवासी क्षेत्र की ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है, उन्हें पूछे बिना कोई भूअर्जन नहीं हो सकता, पुनर्वास हुआ मान नहीं सकता, वहां के पत्थर और नाले पर भी अधिकार ग्राम सभा का होना चाहिए। जिसकी बात आज पॉस्को से लेकर यहाँ के कालूराम दोदड़े जी के भूमि सेना तक हर कोई उठा रहे, नर्मदा में उठा रहे, लेकिन उसके भी आगे जाकर अब ये लोग छोटा नागपुर संथाल परगना का कानून भी बदलने जा रहे। तो एक बाजू परंपरा को बड़ा मुद्दा बनाकर एक धार्मिक राष्ट्रवाद को उछालने वाले लोग अपने अपने समुदायों के जो धर्म की परिभाषाएं हैं, प्रतीक हैं, जीवन धर्म के नियम और नीतियां हैं,
में पूरा साथ समर्थन, ये दुहेली एजेंडा आगे बढ़ रहा है, ये हम भूल नहीं सकते। इसलिए एक साथ इस पर हमला करना, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का गठन ही इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था। एक बाजू जब रथ यात्रा चल रही थी और दूसरी बाजू ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी, एक साथ दोनों को चुनौती देने वाला मुद्दा लेकर हम लोगों को समन्वय साधने की जरूरत है। और साथ साथ तीसरा स्तंभ हमारे समन्वय का एक वैकल्पिक विकास का होना चाहिए। इसकी स्पष्टता रखने वाले तमाम जन आंदोलनों ने 1992 से जब ये समन्वय की स्थापना की, तब आज 22 साल पूरे होते हुए हम लोगों ने जाना, समझा और सुना। यहाँ मोहित पांडे जी को, वैसे जिग्नेश मेवाणी को, उना के बाद जिन्होंने दलितों का एक ऐसा संघर्ष खड़ा किया जो आज भूमि के बंटवारे के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सामने रेल रोको का कार्यक्रम अहमदाबाद में सफलतापूर्वक गिरफ्तारी देकर करते हैं। हमने सुना डोंधा प्रकाश को, उमर खरीद को, जेएनयू और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो लगता है कि कहीं ऑक्यूपाई यूजीसी के नाम पर विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के मुद्दे पर शुरू हुआ संघर्ष था और वो जेएनयू में एबीवीपी के सामने संघर्ष तक सीमित था, लेकिन नहीं, उनकी पूरी व्यापक विचारधारा और सपना जब हमने सुना और आज मोहित भाई को सुना, हम लोग बड़े खुश हैं। हम लोग अभी निवृत्त हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इन लोगों की ताकत भाई माने के रिश्ते भाई और तमाम मनोरमा बहन और गुड्डी बहन के साथ हमारे बिलाल भाई यहाँ हैं, हमारे रोहित भाई यहाँ हैं, दूसरे इन तमाम लोगों के साथ आगे बढ़ने की बेहद ज़रूरत है और ये बढ़ सकती है। हम लोगों को केवल साथ देनी चाहिए। जो मुद्दे अभी उभरे हैं उन पर हमारे बीच में अगर विवाद होगा, मतभेद होगा, तो भी मतभेद न रखते हुए चर्चा बहस, ये भी इस सम्मेलन का जरूर उद्देश्य होगा। मैं केवल कुछ मुद्दे अधोरेखित कर रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा, बात तो बहुत हुई, संविधान से लेकर मंडल आयोग तक और मंडल आयोग से लेकर अभी जाट, गुर्जर और मराठा, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज ने भी जो आरक्षण की मांगे की है, वहां तक हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कोपरडी के घृणास्पद अत्याचार के बाद जो बहनें खड़ी हुई किसी भी जात पात की हो, उनकी ताकत को हम सलाम करते हैं, लेकिन साथ साथ अत्याचार विरोधी कानून जिसका अमल नहीं के बराबर हो रहा है उसको बदलने की बात और आरक्षण को खत्म करने की बात आज का भी स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो हम लोग ना मंजूर करते हैं, तभी हम समाजवादी कहलाए जा सकते हैं। हम लोग कहते हैं हिंसा और अहिंसा के बीच चल रहा युद्ध, आज युद्धखोरी के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक्स एक बाजू और कश्मीर में 7 लाख सिपाहियों का जमावड़ा, अभी कश्मीर में जाके आए, बुरहान वाणी को सोशल मीडिया का नेता मानेंगे तो उसके नाम पर हम लोग मानो आतंकवादियों की हत्या कर रहे हैं, ऐसे उछल पड़ी सरकार की सेना, लेकिन प्रत्यक्ष में बुरहान वाणी का नाम अब कश्मीर के दीवार दीवार पर लिखा गया है, ये हमने देखा। और हजारों लोग, जबकि अब हुर्रियत का आदेश मानते हैं, हजारों हजारों दुकानें बंद रहे, शिक्षा संस्थानों तक बच्चे बच्चे तक हमने सुना कहते हुए कि अब बस आजादी, तो हमें लगा कि और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं। जो हाउस अरेस्ट में है ऐसे तमाम नेताओं के साथ हमारी हुई बातचीत से लगा कि भले ही ये सशस्त्र संघर्ष में कूदे थे, आज भी कुछ हद तक विश्वास करते होंगे, माओवादी भारत के अंदर भी वो करते हैं, लेकिन जब नेपाल में सत्ता पर आते हैं तब विदेशी धन भी लाते हैं, ये एक दुर्दैव की बात ज्यादा करती है, लेकिन वहां आज भी उनकी जो व्यापक विचारधारा है वो हमारी गांव की आजादी, स्वावलंबन, स्वराज, इसी प्रकार से छोटे छोटे राज्यों की भूमिका, विकेंद्रीकरण की भूमिका, और साथ साथ अगर राष्ट्र भी अगर कोई वैटिकन सिटी 1000 या 2000 पॉपुलेशन का एक राष्ट्र हो सकता है, तो इस प्रकार से एक राष्ट्रवादी कहिए चाहिए तो, लेकिन एक स्वतंत्रतावादी, विकेंद्रीकरणवादी भूमिका को भी हमको समझना पड़ेगा। हम
इसको केवल आतंकवादी कहकर नकार नहीं सकते, और अगर वो भारत का हिस्सा है तो भारतीय समाज में और राज्य में कर्ताओं ने ऐसा क्या गलत किया कि जो कहते हैं कि हम प्रो पाकिस्तानी नहीं है पर हम लोग प्रो भारतीय भी नहीं है, ऐसा कहने का समय पर लाया थोपा। इस पर भी बहुत गंभीरता से गहराई से सोचना चाहिए, नहीं तो हजार बच्चों की युवाओं की आंखें तो फूट गई है, अब आगे क्या इसकी हकीकत हम ही तय करेंगे। चलो कश्मीर का नारा कुछ संगठनों ने 23 मार्च के रोज दिया है, उसको भी हमारा समर्थन और साथ जरूरी है। तो हम लोग जाकर देखें तो सही, हम लोग जाकर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सही, एक बाजू इतनी क्लाइमेट चेंज की बात सम्मेलनों में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में चल रही है, यहाँ किसानों की खेती और उपज बर्बाद हो रही है, हम लोग ठंडी या गर्मी में फंसे हुए हैं, बाढ़ और सूखे के जल चक्र के आतंक को हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि एक एक नदी घाटी में हजारों हजारों मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लाना, लाखों मेगावाट तक अपनी भूमिका 2032 तक होनी चाहिए, ये उनके एजेंडा को हम लोगों ने स्वीकारना, ये अगर आगे बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज क्या, क्लाइमेट खत्म होना और पृथ्वी खत्म होना, इसका इशारा चुनौती चेतावनी दे चुके हैं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ, तो वहां भी संघर्ष चल रहा है। तो जहां पूरी मिलिट्री भेजकर और उस वहां की मनोरमा के और इरोम शर्मिला के संघर्ष तक उनको मजबूर करते हुए जिस प्रकार के सेना के साथ हम सब कुछ करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये युद्धखोरी का एहसास हमारे राज्यकर्ता दे रहे हैं, उसके सामने समाज क्या सोच रहा है, समाज क्या कर सकता है, विकास का हमारा नजरिया क्या है, हम तकनीकी चुनौती पानी ऊर्जा स्वास्थ्य शिक्षा गृह निर्माण इन तमाम क्षेत्रों में कैसे लेना चाहते हैं, ये युवाओं को तय करना है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में आज भी कॉम्प्रोमाइजेस हैं, इसके नहीं हम सबके हैं। मैं कल उठ के आई विमान से तो देखा, क्योंकि कल हिंदू कॉलेज में भाषण देकर यहाँ पहुँचना भी था, लेकिन देखा कि रेलवे स्टेशन जैसी भीड़, और रेलवे में जो एक साल में जितने एयर से नहीं चलते हैं उतने लोग रोज में चलते हैं, तो उनके बीच की एक एक सेवा अंबानी और अडानी को दी जा रही है खान पान सेवा के तहत, जिसके सामने हमने परसों ही दिल्ली में बात उठाई। नई पॉलिसीज आ रही है, कानून बदल रहे हैं, पर्यावरण के विरोध पक्ष में अगर कोई मेमोरेंडम देगा पर्यावरण मंत्रालय को तो वो स्वीकारा नहीं जाएगा, अगर वो एंटी डेवलपमेंटल होगा तो, और ये स्टडीज वीडीज में कोई समय बिताने की जरूरत नहीं है, योजनाएं जल्दी से जल्दी आगे बढ़नी चाहिए, ये भी नहीं सरकार कह रही, क्या नहीं कह रही, श्रमिकों के कानून बदल रही है, असंगठित के बाद छोड़ो सातवें वेतन आयोग तक ले जाने की भूमिका रखने वाले भी श्रमिकों की आम श्रमिकों की 93% की बात नहीं समझ, तो बस इनका सब कुछ पूंजी और बाजारवाद पर है, चीनी कंपनियां हो जापानीज कंपनियां हो एशिया की या और अमेरिका की, और सब जगह ये जो वामपंथी विचारधारा को बाजू में करते हुए जिसमें एक प्रकार से गांधी से लेकर मार्क्स लेनिन तक के समाजवादी युग के सपने भी शामिल हैं, ये चाह रहे हैं कि अमेरिका के ट्रंप से लेकर यहाँ के नरेंद्र मोदी जी तक सब अपने मिली जुली विचारधारा पूरे जगत में हावी करें, और इसीलिए हमारी बात केवल हमारे गांव गली तक, हमारे संगठन तक, हमारे राष्ट्र तक और उनके झूठे राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं है, एक मानवतावादी बात कैसे हम लोग समाजवादी विचारधारा से ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसकी बात लोहिया जी ने आग्रह से की थी कि मानव अधिकार और मानवतावाद यही समाजवाद का मूल गाभा और स्तंभ होगा और उसके तहत हर निर्णय होगा। मैं और बात करते हुए मैं कहूँगी कि हम लोगों को अपने माध्यम ढूंढने पड़ेंगे, हम लोगों के संगठन की नई रणनीतियाँ होनी पड़ेगी, सृजनशीलता जिसमें झांकेगी, आप अपने अपने कार्यक्रम बनाएंगे, साथ साथ जो आंदोलन और जो संगठन आज अलग अलग जगह पर चल रहे हैं वहाँ युवा साथी पहुँचेंगे, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि वहाँ आए, वहाँ प्रेरणा दें, वहाँ सालों तक
लड़ रहे या निर्माण में लगे हुए लोगों को नहीं कोई ऊर्जा के साथ नए आयाम दे दें, ये सब हो सकता है। और फिर व्यापक विचारधारा उनसे भी आप ले सकते हैं, उत्पादन साधनों का क्या होगा, मास प्रोडक्शन की प्रोडक्शन बाय मासेस, कई सारी चीजें जो सप्त क्रांति में भी आई है और अलग अलग समाजवादियों के कार्यक्रम में। अब आपको तय करना पड़ेगा कि दलीय राजनीति के साथ रिश्ता क्या होगा। हम लोगों को लगता है कि दलीय राजनीति के द्वारा बदलाव का अवकाश बहुत कम हो रहा है, समाजवादी ही नाम ली हुई समाजवादी पार्टी का क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश, वो देखते हुए दुख भी होता है क्योंकि क्या वो भाजपा को मौका दे रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन दूसरी ओर हम तो इस प्रकार के समाजवादी हैं और राजनीति की भी हमारी सोच क्या है, दलीय राजनीति से हमारे संबंध कैसे हो, कोई अंदर जाए तो कोई बाहर रहे, उनके समन्वय की बात कैसे आगे बढ़े, इस पर भी हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। बस इतना ही कहकर ये समाजवादी आंदोलनकारी शक्ति और भूमिका हम निश्चित रूप से अंत तक ले जाएंगे, इस विश्वास के साथ आपको सलाम करती हूँ, एक दो नारे देती हूँ। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जिनको मंजूर है वो तो हाथ उठाएंगे और जोरदार जरा मुट्ठी बंद करके। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विकास के नाम पर विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विकास के नाम पर विनाश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लड़े हैं जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे।